आखिरकार इस बेस्ट म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है और आखिरकार बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, बेस्ट का मतलब ये होता है इसने पिछले टाइम में एक अच्छे टाइम पीरियड में एक अच्छे रिटर्न दिया हो। रिटर्न को अपन कंपेयर कैसे करेंगे, बेंचमार्क से, कि हर साल अपने बेंचमार्क से एक अच्छे रिटर्न दिए हो। और दूसरी चीज अपन देखेंगे इसके रिस्क पैरामीटर्स। रिस्क पैरामीटर्स आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये ज्यादा वॉलेटाइल तो नहीं है, रिस्की तो नहीं है, और ऐसी बहुत सारी चीजें ये इसके रिस्क पैरामीटर्स बताते हैं कि अपने पैसों पे बहुत ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न तो नहीं लाए जा रहे हैं, या मतलब पूरी कैटेगरी से ज्यादा कौन रिटर्न दे रहा है। ऐसी हर चीज में जो पैरामीटर में ठीक बैठता है हम उसे बेस्ट फंड कहते हैं। और इसी के साथ अपन को पोर्टफोलियो भी देखना पड़ता है, फंड मैनेजर भी, और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन ये दो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसी बेस पे आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आखिरकार बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, स्मॉल कैप फंड में आखिरकार कौन सा है वो फंड। अपन इन दोनों चीज को लगाएंगे और फिर देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करी कि आखिरकार कौन सा है वो फंड जो कि चारों रिस्क पैरामीटर, पांचों रिस्क पैरामीटर पर भी बेस्ट है और इसी के साथ रिटर्न भी ज्यादा दिया है, तो मुझे ये डेटा मिला। अब देखिए, सिर्फ अगर अपन रिटर्न के मामले में देखें कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है और सिर्फ उस बेस पर देखें, तो ये आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 28% सालाना रिटर्न दिया है लगातार 10 सालों से, और ये काफी अच्छे रिटर्न है। लेकिन देखिए, अगर इसके रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा हाई है, इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा वॉलेटाइल है। तो देखिए, ये बेस्ट है रिटर्न के मामले में, लेकिन अगर चारों रिस्क पैरामीटर की बात करें तो ये बेस्ट नहीं उतरता है। अब देखते हैं कि जो चारों रिस्क पैरामीटर में बेस्ट कौन कौन से फंड उतरे हैं। तो देखिए, इसमें पहला आता है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है, दूसरे नंबर पर आता है कोटक का स्मॉल कैप फंड, और तीसरे नंबर पर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप फंड, और चौथे नंबर पर आता है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब देखिए, अब जी चारों अच्छे हैं, अब चारों अच्छे हैं में से तो अपन चारों में तो देख नहीं सकते, अब इसमें से कोई एक चुनना है तो चारों रिस्क पैरामीटर पर तो ये ठीक है। अब अपन रिटर्न के मामले में देखते हैं कि इन चारों में सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है। तो देखिए, पहले वाले का एक्सिस का है 23.74, 10 साल का रिटर्न है, दूसरे का है 22.75, तीसरे का है 18.75, और चौथा का भी मतलब बैंक ऑफ इंडिया का भी 10 साल पूरे ही नहीं हुए, इस कारण ने कुछ भी नहीं लिखा है। अब देखिए, जब अपने पास तीन है और तीन में से एक सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है और तीनों चारों रिस्क पैरामीटर पर खरा उतर रहा है, तो इस बेस पर अपन ये कहेंगे कि अभी के टाइम पर एक्सिस का स्मॉल कैप फंड पूरी म्यूचुअल फंड कैटेगरी पर बेस्ट है, रिटर्न के मामले में भी और इसके मामले में भी। और सिर्फ रिटर्न के मामले में अगर रिस्क पैरामीटर हटा दिया जाए तो रिस्क सिर्फ रिटर्न के मामले में निप्पॉन इंडिया बेस्ट है। अगर आप चारों रिस्क पैरामीटर के साथ देखते हैं तो ये बेस्ट आता है। तो देखिए, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए थी, लेकिन एक बात देखिए कि जो अभी बेस्ट है जरूरी नहीं है कि आज से 10 साल बाद भी बेस्ट रहे। तो देखिए, आपको हर साल उसको देखना पड़ेगा कि अभी ये बेस्ट परफॉर्मिंग कर रहा है कि नहीं, एक दो साल देखना पड़ेगा। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उससे निकलकर अपन को दूसरा भी जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर कोई बेस्ट हमेशा के लिए बेस्ट नहीं रहता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।